हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रणीताज फूड जोन में। आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ बॉल्स रेसिपी, जो कि बरसात की जान है। और ये चीज़ से ओवर लोडेड पकौड़े हैं, तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और बनाना भी इन्हें बहुत ही आसान है। तो मैंने 2 बॉयल आलू लिया है और 150 ग्राम के करीब प्रोसेस्ड चीज़ ली है। ये वही चीज़ है जो बेसिकली पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग में यूज़ आती है। तो बस इन दोनों को बहुत ही अच्छे से फाइन ग्रेट कर लिया है मैंने, काफ़ी बारीक बारीक। और बाहर ना सडनली बारिश होने लगी, तो मैंने सोचा मैं क्या ही बनाऊं, और रेगुलर पकौड़े खा खा के थोड़ा बोरियत भी हो रही थी, तो बस मैंने ये चीज़ बॉल्स बनाए जो बहुत ही मज़ा आया खा के। फिर इसमें ना एक मीडियम साइज़ की फाइन चॉप प्याज डाल देनी है, और ओरिगानो डालना है, चिली फ्लेक्स डालना है, नमक डालना है। मैंने बस इतना ही चीज़ डाला है क्योंकि मैं बता ही रही हूँ कि अचानक से बारिश आई और बस मन कर गया खाने का, तो बहुत सी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास हरी धनिया हो, गाजर हो, शिमला मिर्च हो और स्वीट कॉर्न हो, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। बट ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना बेसिकली पूरा पोटैटो फ्लेवर रखना था, इसलिए मैंने, वैसे मेरे पास था भी नहीं और होता भी तो भी मैं स्किप ही कर देती वो चीज़ें। तो फिर क्या करना है, इंसार को ना ऑयल लगा कर हाथ पर छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आप चाहें तो और छोटे बॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर कोटिंग होनी है 2 चीज़ों की, तो ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। बट मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था तो मैंने इसको ऐसे ही बना लिया है। आप चाहो तो इसका हाफ भी ले सकते हो और ये फूल के बड़े हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे सारे बॉल्स बना लिए ऑयल लगा लगा करके। आप ऑयल ज़रूर लगाना, क्योंकि वरना हाथ में बहुत चिपकता है। फिर मैंने 1/3 कप मैदा लिया है और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, और थोड़ा सा नमक मिला के इसको अच्छा सा घोल बनाया है। घोल बहुत पतला नहीं रखना है, अगर पतला होगा ना तो कोट अच्छे से नहीं करेगा, और बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, अगर बहुत गाढ़ा होगा तो कोट ओवर कर देगा और बहुत ही ज़्यादा चीमड़ सा, मतलब खिंचाव सा आएगा खाने में। तो एक परफेक्ट सा डो बनाना है मीडियम उसमें, और फिर ब्रेड के क्रम्स बनाने हैं क्योंकि इनकी कोटिंग करनी है। तो ये मेरे पास ना बची खुची ऊपर नीचे वाली ब्रेड बची थी, आपने देख ही लिया है, तो बस मैंने इसको किचन सीजर से काट करके अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। बस आप 1-2 राउंड मिक्सी घुमाएंगे और ये बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए काफ़ी मतलब दरबरा सा पाउडर बना है। तो अभी क्या करना है, ये जो बॉल्स हमने बनाई है ना, उसकी यही ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है, देन ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया उस पर कोटिंग करनी, फिर एक बार वापस से इसको ब्रेड क्रम्स में फिर से लगाना है। आप चाहो तो पहली बार जो मैंने लगाया वो ना भी लगाओ, सीधे मैदे में डालो, मैदे के घोल में, और फिर सीधे ब्रेड पे लगा दो। बट ये घोल इनफ है और ये भी इनफ है, तो मैंने डबल कोटिंग कर ली है। लेकिन आप सिंगल में भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही कोटिंग करके मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। और अब क्या है कि मतलब पहले तो हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करना है, फिर मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर तलाना तो ये जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया और मैंने धीमे आंच पे बहुत अच्छे से पकाया है। और ये बात काफ़ी ना भट भट करने लगे हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो चीज़ थी ना वो पिघल रही है। और देखिए पकौड़े भी जस्ट डबल साइज़ के हो गए हैं, इसीलिए मैंने कहा था अगर आप चाहो तो छोटा भी रख सकते हो बॉल्स। लेकिन ये ऐसे भी खाने में ना बहुत ही मज़ा आया था, मतलब आराम से एक जने 4 खा लो और अच्छा खासा पेट भर गया। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका भुन के तैयार हुआ। इसी तरीके से करके मैंने सारे बॉल्स को फ्राई कर लिया है और पुदीने वाली खट्टी चटनी बनाई और सॉस लिया और किसम खाया। अब आप देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, और ये बहुत ही मज़ा आया खा के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।